ओम नमः शिवाय जय मां काली। दोस्तों शिव पुराण के अनुसार घर में कैसा शिवलिंग रखना चाहिए, कितना बड़ा शिवलिंग घर में रखना चाहिए, घर में यदि शिवलिंग है तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा कराएं या ना कराएं, घर में कितने शिवलिंग रखें, एक रखें या उससे ज़्यादा रख सकते हैं, घर में शिवलिंग धातु का होना चाहिए या पत्थर का होना चाहिए, शिवलिंग पर नाग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, शिवलिंग घर में कहाँ पर रखें, गमले में रखें या उसे मंदिर में रखें। दोस्तों शास्त्रों में यूँ तो हर पूजा पाठ के देवी देवताओं के अलग अलग नियम बताए गए हैं, लेकिन जब बात देवों के देव महादेव की हो तो हमें अपने प्राचीन धर्म ग्रंथ शिव पुराण से जानकारी जरूर लेनी चाहिए। शिव पुराण में शिवलिंग को घर में रखने के नियम बताए गए हैं। शिव पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति शिवलिंग की पूजा नियमित रूप से करता है, भगवान उसकी हर मनोकामना को पूरा करते हैं, उसके जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती। लेकिन शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि शिवलिंग को घर में रखने से पहले कुछ नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। यदि आप अपने घर में शिवलिंग रख रहे हैं और इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो शिवलिंग रखने से आपको फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। तो चलिए जान लेते हैं शिव पुराण में शिवलिंग रखने के क्या क्या नियम बताए गए हैं। दोस्तों घर में जब भी शिवलिंग रखें तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि घर में शिवलिंग हमेशा छोटे से छोटा होना चाहिए। शिवलिंग रख रहे हैं, किसी भी भगवान की मूर्ति को रख रहे हैं तो वो हमेशा 3 इंच की, या आप जमीन से अंगूठा उठाकर देखिए जितना अंगूठे का पोरवा होता है, इतना बड़ा शिवलिंग, इतनी बड़ी मूर्ति आपको अपने घर के मंदिर में रखनी चाहिए। शिवलिंग यदि घर में रख रहे हैं तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करानी चाहिए। शिवलिंग या शंकर की प्रतिमा या किसी भी भगवान की मूर्ति को रख रहे हैं तो आप उसकी पूजा कर सकते हैं, उनका अभिषेक कर सकते हैं, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा केवल मंदिरों में कराई जाती है और बड़ी मूर्तियों की कराई जाती है। तो इसलिए घर में हमेशा शिवलिंग की मूर्ति को स्थापित करना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग को घर में कभी भी अकेला नहीं रखना चाहिए। शिवलिंग जहाँ भी रखें उसके साथ भगवान शिव का परिवार जरूर होना चाहिए। परिवार में माता पार्वती, भगवान गणेश, कार्तिकेय और साथ में नंदी की मूर्ति जरूर होनी चाहिए। मूर्ति संभव नहीं है तो आप उस मंदिर में फोटो लगा सकते हैं। साथ ही कभी भी घर में एक से ज़्यादा शिवलिंग नहीं रखने चाहिए। यदि आपके घर में एक से ज़्यादा शिवलिंग है तो उन्हें वहाँ से तुरंत हटा दीजिए। शिवलिंग को आप उठा करके किसी भी मंदिर में रख सकते हैं या आप उसे किसी बहते हुए पानी में प्रवाहित कर सकते हैं, लेकिन घर में एक शिवलिंग रखना चाहिए। कुछ लोग अपने घर में शिवलिंग देखा होगा कि शिवलिंग में नीचे की तरफ छेद होता है, लेकिन ऐसा शिवलिंग घर में ना रखें। यदि आपके घर में है तो उसे तुरंत हटा दें। शिवलिंग नीचे से बिल्कुल सपाट होना चाहिए, बंद शिवलिंग होना चाहिए। शिवलिंग धातु का रखें या पत्थर का रखें, तो दोस्तों घर में आप धातु का शिवलिंग रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं, लेकिन शिवलिंग धातु का सोने चांदी या तांबे का बना होना चाहिए और उस पर नाग भी जरूर लिपटा होना चाहिए। लेकिन घर में जब से जो सबसे ज़्यादा शुभ फल की प्राप्ति देने वाला शिवलिंग होता है वो नर्मदा नदी से उठाया गया जो पत्थर सा शिवलिंग होता है वो माना जाता है, तो आप अपने घर में नर्मदा नदी का शिवलिंग रखिए। घर में स्थापित शिवलिंग पर किसी भी तरीके से आप भूल कर भी ना तो उस पर हल्दी चढ़ाएं, ना उस पर आपको तुलसी दल अर्पित करनी है, ना ही केतकी के फूल भगवान शिव को अर्पित करने हैं। भगवान शिव को हमेशा चंदन का तिलक लगाया जाता है, भगवान गणेश को भी भूलकर हल्दी नहीं लगानी चाहिए। अब बात आती है कि शिवलिंग को घर में कहाँ रखना चाहिए। अक्सर हम लोग शिवलिंग को गमले में रखते हैं, खुले स्थान पर रखते हैं, लेकिन दोस्तों शिवलिंग को हमेशा मंदिर में रखना चाहिए। क्या आप भगवान गणेश को गमले में रख सकते हैं या किसी और भगवान की प्रतिमा को हम बाहर गमले में रख सकते हैं? जब भी हम किसी भगवान की पूजा पाठ करते हैं तो हमें उसके मान सम्मान का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, और जब बात देवों के देव महादेव भगवान शिव की हो तो उनकी प्रतिमा को रखते समय इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि उनकी प्रतिमा जहाँ भी आप रख रहे हैं, शिवलिंग जहाँ भी आप रख रहे हैं, तो वहाँ पर साफ़ सफाई का विशेष ध्यान हो। गमलों में अक्सर क्या होता है, कोई भी बच्चा हो, कोई भी इंसान हो, गंदा पानी डाल देता है, कैसा भी किसी तरीके की गंदगी कूड़ा कर करकट वहाँ होता है। भगवान गणेश को आप मंदिर में रख रहे हैं, उनके पिता को आप बाहर गमले में रख रहे हैं, तो क्या ये भगवान गणेश को स्वीकार होगा? भगवान गणेश आपके हर काम को शुभ और सफल बनाएंगे? बिल्कुल नहीं। जब आपने भगवान गणेश को मंदिर में रखा है तो शिवलिंग को भी मंदिर में रखिए। शिवलिंग को मंदिर की जगह कहीं और रखने की कोई जगह शास्त्रों में नहीं बताई गई है, लेकिन हाँ, शिवलिंग को कभी भी सूखा नहीं रखना चाहिए। यदि आप शिवलिंग के ऊपर जलधारी नहीं लगा सकते तो शिवलिंग को एक चांदी की कटोरी, पीतल की कटोरी या तांबे की कटोरी ले लीजिए, उसमें पानी भरकर शिवलिंग को रखिए, और शिवलिंग में हमेशा पानी ज़रूर होना चाहिए। शिवलिंग को सूखा नहीं रखना है क्योंकि शिवलिंग से हर समय ऊर्जा का संचार होता है, और जब इस ऊर्जा का संचार होता है तो इसको हम लोगों के द्वारा नियंत्रित करना, सहन कर पाना मुश्किल होता है, और इस ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए अक्सर देखा होगा मंदिरों में जलधारा लगी होती है, लेकिन घर में इसको हम नहीं लगा सकते। इसलिए आपको शिवलिंग को हमेशा एक कटोरी में पानी भरकर रखना है, क्योंकि जब ये ऊर्जा संचारित होती है तो ये घर की महिलाओं पर असर डालती है, जिसके कारण घर की महिलाओं को मानसिक तनाव, डिप्रेशन जैसी बीमारियां घेर लेती हैं।
तो इसीलिए घर में शिवलिंग रखने से मना किया जाता है। अन्यथा शिवलिंग घर में रखने में कोई बुराई नहीं है, शिवलिंग को आप घर में रख सकते हैं, लेकिन शिवलिंग को सूखा ना रखें। शिवलिंग को हमेशा घर के मंदिर में रखें और इसको एक पानी में कटोरी भरकर रखें। साथ ही दोस्तों शिवलिंग घर में रखते समय इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि वहाँ पर आप साफ़ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें। शिवलिंग का जो जल होता है, जब आप उसको अगले दिन बदलेंगे तो उस जल को आपको किसी गमले में डालना है, लेकिन तुलसी के गमले में शिवलिंग के जल को भूलकर भी नहीं डालना है, क्योंकि शिवलिंग पर ना तो तुलसी दल चढ़ाई जाती है, ना ही शिवलिंग को तुलसी के गमले में रखा जाता है। इसीलिए दोस्तों शिवलिंग को आप अपने घर के मंदिर में रखें और शिव पुराण में बताए गए इन नियमों का पालन ज़रूर करें कि शिवलिंग को छोटे से छोटा घर में रखें, नर्मदा नदी का शिवलिंग घर में रखें। धातु का रख रहे हैं तो उस पर नाग भी ज़रूर होना चाहिए। शिवलिंग के पास में शिव परिवार भी होना चाहिए। साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें। कभी भी घर में एक से ज़्यादा शिवलिंग ना रखें, शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा ना कराएं। तो उम्मीद करती हूँ दी गई जानकारी आप सबके लिए यूजफुल होगी। वीडियो से आप लाभ जरूर उठाएंगे। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक शेयर करना ना भूलें। भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखते चलिए। मैं तो नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।